बॉबी झा एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं एक नजर आज की हेडलाइन पर। चालान काटने पर पुलिस वालों को पीटा, योगी की रैली में भीड़ न जुटने से नेता परेशान। नेपाल में आंधी तूफान से 25 लोगों की मौत, 400 घायल। अब खबरें विस्तार से। नई दिल्ली ग्रेटर कैलाश थाना इलाके में 75 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से कार चला रहे युवक का चालान काटा तो उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर ट्रैफिक पुलिस के सब इंस्पेक्टर और हवलदार को पीट दिया। दावा किया जा रहा है कि दोनों पुलिस वालों की वर्दी भी फाड़ दी गई। फिलहाल मामले में 4 युवकों के खिलाफ कार्यवाही करने की बात की गई है। गाजियाबाद लोकसभा चुनाव में बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने में जुटी पार्टी। रणनीतिकार रविवार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभा में अपेक्षा के अनुसार भीड़ न जुटने पर कुछ कुर्सियां खाली रहने से परेशान नजर आए। हालांकि पार्टी नेताओं का कहना था कि धूप तीखी होने के कारण काफी संख्या में लोग कुर्सी पर बैठने के बजाय आसपास छांव में खड़े थे। दक्षिण नेपाल के अनेक गाँव के भीषण आंधी तूफान की चपेट में आने से कम 25 लोगों की मौत हो गई और 400 अन्य घायल हो गए। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने तूफान में मरने वालों के प्रति दुख जताया है और उनके परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। राहत और बचाव अभियानों के लिए प्रभावित क्षेत्र में सुरक्षा कर्मी तैनात कर दिए गए हैं। तो एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस इंडिया डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।